हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आपको डेली जॉब अपडेट्स इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, डेली 6 बजे इसी तरह की वीडियोस आपको मिल जाती है। नाउ आज के अपडेट के बारे में बात करें तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट है। पूरी बातें वीडियो के अंदर करूँगा, पूरी वीडियो एंड तक देखना अगर आप एलिजिबल हो तो। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, डेट्स बता देता हूं। तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट्स है 30 अक्टूबर, मतलब ये शुरू हो चुकी है, और इसकी क्लोजिंग डेट है 21 नवंबर। तो आपके पास यहाँ पे करीबन 22 दिन का टाइम है सोचने के लिए कि अप्लाई करना है नहीं करना है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देनी रहेगी और एलिजिबिलिटी मैं इस तरह से बताऊँगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे वैकेंसी तो बहुत सारी है, लेकिन सब में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ 4 साल 5 साल मांगा हुआ है। लेकिन फ्रेशर के लिए वैकेंसी है वो मैं ही बताने वाला हूँ, बाकी मैं नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे विजिट करके पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे 26 पोस्ट है जो कि फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। अब उसकी ब्रांचेज एक बार अच्छे से सुन लेना, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, फिर यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 21 से 28 साल की एज लिमिट है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 26 पोजीशन है, एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगा हुआ है। लेकिन अगर आपने यही ब्रांचेस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, एम ई एम टेक किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा यहाँ पे एक ये 4 साल की डिग्री मांगी हुई है, 3 साल की नहीं मांगी हुई है, वरना तो यहाँ पे बीएससी भी आ जाता, एमसीए भी आ जाता। क्लियरली 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री बोला है, तो ये चीज़ का खास ध्यान रखें। बाकी जितनी भी पोस्ट है उसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। मतलब यहाँ पे एक और पोस्ट है रिस्क मैनेजर 2, जिसमें यहाँ पे 21 से 30 साल की लिमिट है, बीटेक मांगा हुआ है या फिर एमसीए विद एमबीए ये मांगा हुआ है। ठीक है, बीटेक मांगा हुआ है या फिर एमसीए विद एमबीए होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ब्रांचेस डिस्कस नहीं किए हुए है, रिस्क मैनेजर 2 की यहाँ पे पोस्ट है, तो सोच समझ के आप देख लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। और बाकी तो सीए वगैरह की पोस्ट है, आपके कोई दोस्त है तो उनको ज़रूर से वीडियो बता देना, काम लग सकती है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे ज़्यादातर फ्रेशर्स है तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी। नाम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले रिटर्न टेस्ट देनी होगी और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। रिटर्न टेस्ट में यहाँ पे स्ट्रीम स्पेसिफिक, मतलब आपकी ब्रांच के रिलेटेड 60 क्वेश्चंस होंगे जिसके 60 मार्क्स होंगे, फिर कंप्यूटर नॉलेज उसके 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स होंगे। फिर बैंक की जॉब है तो ऑब्वियसली बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो, जनरल अवेयरनेस उसके 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स की एग्जाम होगी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। इंग्लिश और हिंदी में ये एग्जाम रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी 500 रुपीज़, और यहाँ पे GST वगैरह चार्जेस ऐड करके 550 हो जाती है। अगर आप SC ST से अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ 50 रुपीज़ पे करनी है। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस बेसिक ये सब दे दिए हैं, यही जो मेन बातें थे वो मैंने आपको बता दी। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा एंड देन आपको पोस्ट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सैलरी को डिस्कस करना रहेगा। सैलरी यहाँ पे आपको 23,700 से लेके 42,020 तक आपकी पहुँच सकती है, तो ये भी अच्छी बात है। मतलब जो फ्रेशर की है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब में जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है उनकी तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, मतलब 50,000 1 लाख तक पहुँच सकती है, लेकिन जो फ्रेशर है उनकी मैंने बात की। अब अगर एग्ज़ाम आप देना चाहते हो तो आपको कॉल लेटर्स 11 दिसंबर तक मिल जाएंगे और आपकी डेट एग्ज़ाम की रहेगी 21 दिसंबर तक। मतलब ये दिसंबर तक ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी और उम्मीद करते हैं जनवरी तक आपको इंटरव्यू फेस करना पड़े। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है, कम्प्लीटली पूरा नोटिफिकेशन आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में बता दिया है। किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना इस चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।